उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद के 36 सदस्यों को सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई। कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे सीतापुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य पवन सिंह से हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने बातचीत की। कहा कि अब वो प्रदेश के उच्च सदन में है, अब वो क्षेत्रीय समस्याओं के साथ गरीबों की शिक्षा के लिए और भी बेहतर काम करेंगे। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। नव निर्वाचित विधान परिषद के सदस्यों ने आज शपथ ली है। हमारे साथ पवन सिंह जी हैं। पवन सिंह जी, सदस्य के रूप में आज आपने शपथ ली है और मुझे लगता है जो चुनाव हुआ उसमें सबसे बेहतर तरीके से आपने एमएलसी का चुनाव लड़ा, तो क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी जो प्रमुखता से निभाएंगे आप? मुझको लगता है हमारा क्षेत्र शिक्षा और रोजगार में बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं सीतापुर से एमएलसी चुना गया हूँ और मुझको लगता है बहुत बड़ा काम करना वहाँ पर है। रोड का लेकर के हो, स्कूल को लेकर के हो, अस्पताल को लेकर के हो और रोजगार में खास करके लेकर को मैंने टारगेट किया है। तो उसके लिए अभी मैं 3600 हम लोग विधान परिषद सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया, माननीय मुख्यमंत्री जी सभापति ने शपथ ग्रहण कराया और उसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें को शपथ लेने का और संविधान के प्रति जुड़ने का एक मौका मिला है। उसको लगता है हम लोग देश की बड़ी सेवा करने का मौका मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी बहुत काम करते रहे हैं आप, स्कूल्स में तमाम लोगों को फ्री शिक्षा या लोगों गरीब लोगों की मदद करते रहे हैं, ये एक और बड़ा मौका मिला है कि आप परिषद में रहेंगे, अपर हाउस में रहेंगे, तो एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई, साथ ही साथ एक आपको बड़ा मौका मिला है। तो इस पूरी सरकार को लेकर सरकार की क्या सोच है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, जो आपकी सोच थी उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? माननीय मोदी माननीय योगी की जो विकास पर नीतियों को मैं जमीन तक पहुंचाने का काम करूंगा और हर व्यक्ति को वो जागरूकता देना। हमारे क्षेत्र में सिर्फ जागरूकता न होने की वजह से हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। जागरूक होंगे तो निश्चित है कि हम रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में अच्छा काम करेंगे। शिक्षा में क्योंकि बात शिक्षा की आपसे इसलिए करनी जरूरी है कि मैंने बताया कि आपके स्कूल्स हैं, फ्री शिक्षा आप तमाम गरीब लोगों को देते रहते हैं, तो अब ये मौका लगा है, मौका मिला है, एक और मौका मिला है आपको, तो क्या वो दायरा आपका बढ़ेगा क्या? जाहिर सी बात है कि दायरा में पूरे अभी तक जो छोटे से दायरे में थे, अब विकास पर को मैं रोजगार के प्रति टेक्निकल छोटी ट्रेनिंग दिलाऊंगा, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल ट्रेनिंग दिलाऊंगा, फिर हर व्यक्ति को रोजगार जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। पवन सिंह जी थे जिनका कहना है कि इससे पहले भी वो सोशल वर्क करते थे, सामाजिक कार्य करते थे, लेकिन ये एक और मौका मिला है कि विधान परिषद सदस्य के रूप में वो चुने गए हैं और आगे और भी बेहतर काम करते रहेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ राजवीर सिंह, JK News, लखनऊ।